हेलो गाइज, एज ऑलवेज माई सेल्फ भारतेंदु भूषण। देखिए, आज हम लोग कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को शेयर करेंगे जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि रिपब्लिक डे 2022 जो है इस बार जो मनाया जा रहा है कितने महीने में किस प्रकार जो है पिछले समय जो मनाया गया रिपब्लिक डे उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो कुछ ऐसे ही टॉप एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए, देश 73rd जो है गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद संप्रभुत गणराज्य बन गया था और इसी के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता है। लेकिन इतिहास है कि राजपथ पर पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह सन 1955 में मनाया गया था। इसके पहले 1950 टू 1954 के बीच गणतंत्र दिवस समारोह कभी इविन स्टेडियम, अब जो नेशनल स्टेडियम हो गया है, लाल किला, रामलीला मैदान और किंग्सवे कैंप में आयोजन किया जाता था। तो किन मायनों में इस बार जो है 73rd गणतंत्र दिवस जो है समारोह किन मायने में जो है अहम है, क्योंकि इस बार कई ऐसे परंपराएं हैं जो इस बार समारोह का हिस्सा नहीं होंगे। आइए जानते हैं कि इस बार गणतंत्र दिवस कैसे अलग है। नंबर फर्स्ट, अमर जवान ज्योति पहुंची नेशनल वॉर मेमोरियल। सो अमर जवान ज्योति पिछले 50 साल से गणतंत्र दिवस का अहम हिस्सा रही है। इस मौके पर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेना के अध्यक्ष इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन करने आते हैं। अब इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल स्थित अमर जवान ज्योति में विलय कर दिया गया है। नंबर सेकंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दिखेगी होलोग्राम छवि। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम छवि भी दिखाई देगी। सरकार ने इंडिया गेट पर नेताजी की मूर्ति स्थापित करने का ऐलान किया है और मूर्ति बनने तक होलोग्राम छवि मौजूद रहेंगे। नंबर थर्ड, अब तक का सबसे बड़ा फ्लाइट पास्ट होगा। इस बार राजपथ पर लड़ाकू विमानों का अब तक का सबसे बड़ा फ्लाई पास्ट होगा। इसके तहत भारतीय वायुसेना और नौसेना 75 लड़ाकू विमान फ्लाई पास्ट करेंगे। इनमें राफेल, सुखोई, जेगुआर जैसे लड़ाकू विमान फ्लाई पास्ट की शोभा बढ़ाएंगे। नंबर फोर, सफाई कर्मी ऑटो रिक्शा चालक को भी आमंत्रण। इस साल निर्माण श्रमिक, सफाई कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और ऑटो रिक्शा चालक को भी आमंत्रित किया गया है जो कि गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाएंगे। नंबर फाइव, ड्रोन शो। पहली बार ड्रोन शो गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा होगा। इसके तहत 29 जनवरी को वीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम के दौरान 1000 ड्रोन शो होगा। अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारत दुनिया का एक ऐसा चौथा देश होगा जो इस पैमाने पर ड्रोन शो आयोजित करेगा। IIT दिल्ली के स्टार्टअप द्वारा कई ड्रोन शो को आयोजित किया जाएगा। नंबर सिक्स एंड सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि इस बार अवॉइड विद मी की जगह सारे जहां से अच्छा बजाया जाएगा। बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम में इस बार अवॉइड विद मी धुन नहीं बजाई जाएगी। यह महात्मा गांधी की पसंदीदा धुन थी। इसे हटाए जाने के विवाद भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस जहां फैसले को महात्मा गांधी की विरासत को खत्म करना बता रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि अवॉइड विद मी की जगह सारे जहां अच्छा धुन को बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम में शामिल किया गया है और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप जारी है। सो इस बार के डिफरेंट तरीके से जो मनाया जा रहा है 26 जनवरी, वो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।